भैया बताएंगे भैया आपको साउंड क्वालिटी कैसे लगा। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी भैया। जो आपने जिस हिसाब से यूट्यूब पे काम देखे थे उससे काम के आप क्या कर मतलब दिखता है करते हैं? जो आपने काम किया उससे खुश है और जो दिखता भी है जो आपने काम किया है वो बहुत बढ़िया किया है। नहीं, जो बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं उसको क्या बोलोगे कि भाई आप कहीं भी जाने से पहले एक बार यहाँ देख ले जरूर, काम यही का आपको अच्छा लगेगा और बेस्ट भी है। जो जैसे गाड़ी खड़ी करने की जगह जो आपके हम डोर्स खोले हैं, कुछ सीट खोले हैं, बिल्कुल सेफ्टी है, इतने का फेंका हुआ धूल मिट्टी खा रहा है, ये हो रहा है, सेफ काम है, छत के नीचे है और बढ़िया काम है और उसे जल्दी और साफ सुथरा काम होता है क्वालिटी वाइज। जल्दी इसलिए हो गया आज आपकी गाड़ी सिंगल थे। सो गाइस, ड्रीम ऑडियो की नई वीडियो आज हमारे पास 2024 न्यू ब्रीजा। ये बिल्कुल बेस मॉडल है, इसके अंदर ना तो स्पीकर है ना स्क्रीन है, कुछ नहीं है। तो इसके अंदर हम सेटअप कर रहे हैं, फोर डोर डैम्पिंग कर रहे हैं, डिक्की डैम्प कर रहे हैं और इसके अंदर हम फ्रंट स्क्रीन लगा रहे हैं, रिवर्स कैमरा लगा रहे हैं और फ्रंट डियर कंपोनेंट लगा रहे हैं और इसके साथ हम एक फोर चेन लगा रहे हैं और इसके साथ में एक सबवूफर भी लगाएंगे। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो इसके अंदर हम सेटअप कर रहे हैं। ये स्पीकर हमारा रहने वाला ऑडिशन का, जो इसका मॉडल नंबर है AK6.5C2। ये 2 ओम के स्पीकर है 308 में। और जो इसके साथ हम एम्पलीफायर लगा रहे हैं, ये हमारे नाकामिची का 5 चैनल एम्पलीफायर रहता है, इसके अंदर हमारा 4-way स्पीकर भी चल जाता है और 1 चैनल जो बजता है 5 चैनल में उस पर सबवूफर चल जाता है। और जो इसके साथ हम एंड्रॉयड लगा रहे हैं, हमारा ये एंड्रॉयड रहता है ब्लू पंक की, जो जर्मन कंपनी है और जो इसका मॉडल नंबर है 900। ये 9 इंच की स्क्रीन है और इसकी इसके अंदर खास चीज़ ये है कि आपको एंड्रॉयड मिल जाता है एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस। और कल को आपको 360 लगाना हो तो भी लगा सकते हैं। और जो इसके साथ हम वायरिंग कर रहे हैं तो मैं आप लोग को हर वीडियो में वायरिंग दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं वायरिंग दिखाता हूँ। वायरिंग हमारे रहने वाली है स्टिंगर की, जो हम 8 गेज की वायरिंग लगा रहे हैं स्टिंगर की। और जो हमारा स्पीकर वायर है ऑडियो फिल की 16 गेज। और सारी वायरिंग ये OFC है। OFC वायरिंग में ये है, ये फायदा होता है कि कॉपर होता है, इसमें कभी भी आपको लाइफ लॉन्ग कभी दिक्कत नहीं आती है। और जो इसके साथ हम डैम्पिंग कर रहे हैं, मैं डैम्पिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये डैम्पिंग रहने वाली हमारा ये ओडी ब्लैक्स की, ये भी डैम्पिंग काफ़ी अच्छी है। जो इसकी अगर बात करें थिकनेस की 2.0 और जो इसकी गमिंग है काफ़ी अच्छी है। और बाकी जो हम काम किए आप लोगों को सारे गाड़ी में दिखा देता हूँ, जो डैम्पिंग करी है, एम्पलीफायर करे हैं। तो चलते हैं गाड़ी के पास। तो भाई हम आ चुके हैं गाड़ी के पास। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बैटरी वायर दिखाता हूँ। तो जो हमारा बैटरी वायर है ये 8 गेज की जो आप लोगों को दिखाया था, जो वायरिंग है इस पर हम जो सबसे पहले चीज़ स्लिप चढ़ाते हैं और स्लिप के बाद हीट सिंक लगाते हैं। और जैसे जो कंपनी वायर देती है बिल्कुल स्लिप चढ़ा के देती है। और आप लोगों को थिमल्स में जो यूज करते हैं कॉपर का यूज करते हैं। जो बैटरी वायर की जगह है जहाँ कंपनी जगह दी हुई है वहाँ से वायर डालते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि जिसकी रबर है रबर के साइड से वायरिंग डालते हैं, वहाँ से आपका जो इंजन हीट भी जाता है और चूहे भी कई बार जाके वायर उड़ काट देते हैं। तो जहाँ से भी आप लोग वायरिंग करवाते हैं। और जो ये फ्यूज है, फ्यूज सबसे पहले कहीं से भी आप लोग सिस्टम लगवाते हो तो सबसे पहले फ्यूज ज़रूर लगवाना। फ्यूज से काफ़ी फ़ायदा ये है कि कल को एम्पलीफायर कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कभी कुछ ख़राब हो जाता है तो फ्यूज उड़ जाता है। और कई बार अगर फ्यूज नहीं होता, कई वायरिंग कोई गलती से चूहे काट दिया, कुछ भी हो गया, तो आपकी पूरी गाड़ी मतलब नुकसान होने के डर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया फ्यूज ज़रूर लगाना। बाकी लोग जो बाहर के फ्यूज नहीं लगाते, कई गाड़ी ऐसे आए तो कहीं से भी काम करवाते हो, सबसे पहले ध्यान से आपने फ्यूज देखना कि फ्यूज लगा हुआ या नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ तो फ्यूज ज़रूर लगवाना। और मैं आप लोगों को सब ऊपर नहीं दिखाया था, तो सब ऊपर हमारा रहने वाला है हर्ष का 10 इंच का। ये आपका सब ऊपर रहने वाला है, जो ये छोटे साइज़ है काफ़ी, लेकिन पीछे CNG लगी हुई है तो हर बूफर नहीं आ सकते। इस हिसाब से मैंने सब ऊपर आप लोग को दिखा दिया। अब आ जाते हैं गाड़ी के अंदर। पहले उधर आते हैं, आप लोग को स्पीकर दिखाते हैं। तो आ चुके हम गाड़ी के पास। ये गाड़ी में हमने डबल लेयर डैम्पिंग करी है, एक अंदर एक बाहर। आप लोग डैम्पिंग के फिनिशिंग देख सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट जो चाहिए उस हिसाब से करी है। ये नहीं कहीं गमिंग निकल रही, कहीं कुछ निकल रही है। और जो डैम्पिंग के डिफरेंट में आप लोग को दिखा देता हूँ कि जैसे डैम्पिंग क्या फ़र्क है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ डैम्पिंग हो रखी है और यहाँ नहीं हो रखी है, मतलब बिल्कुल पापर है। अगर बात करें डैम्पिंग से काफ़ी गाड़ी की मजबूती मिल जाती है, छोटा मोटा बात करें डेंट भी नहीं आते, गाड़ी काफ़ी साइलेंट हो जाती है जो रोड नॉइज वगैरह। और जो इसके अंदर में स्पीकर लगाए हैं, स्पीकर में डबल क्रॉस ओवर मिलता है हमें। जो हमारा मिड बेस है उसके लिए अलग क्रॉस ओवर है, जो ट्विटर है उसके लिए अलग क्रॉस ओवर है। इससे क्या होता है काफ़ी हमें क्वालिटी बेटर मिल जाता है। और जो स्पीकर के पीछे हमने वाटर गार्ड लगाए, कई लोग क्या कहते हैं भाई लकड़ी की रिंग लगाओ, लेकिन लकड़ी की रिंग लगाने से ये नुकसान है
कि बारिश के पानी या कहीं से फिल्म चलवाते हो तो रिंग खराब हो जाता है, और फिर पीछे से जब हम कुछ बारिश उरिश आता है तो जो हमारे कॉयल बना हुआ मैग्नेट है उससे पीछे धीरे धीरे डस्ट लग के ना उससे कॉयलें खराब हो जाती है, मतलब काफ़ी दिक्कतें हैं। तो वाटर गार्ड में क्या है कि आपका बिल्कुल सेफ रहता है, तो पानी से कोई डर नहीं है, इसलिए हम इसको वाटर गार्ड कहते हैं। तो आप लोग को मैंने स्पीकर की फिटिंग दिखा दिया, जो ट्विटर के लोकेशन है मैं आप लोग को ट्विटर के भी दिखा देता हूँ। ये ट्विटर हमारे जो कंपनी फिल्ड जगह दिया हुआ है यहाँ पे, इस हिसाब से हमने इसके डैम्पिंग भी लगाई है और ग्लूगोन भी लगाए हैं, इससे क्या होता है काफ़ी आपका ट्विटर कहीं इधर उधर नहीं होते। तो मैं आप लोग को ट्विटर के भी दिखा दिया, और उस तरफ से मैं आप लोग को एमली फैड दिखा देता हूँ। अब आ चुके हैं एमली फायर के पास, जो मैं आप लोग को दिखाया था नाकामिची के फाइव चैनल था, ये हमारा नाकामिची के फाइव चैनल के एमली फायर रहने वाले हैं। जो एमली फायर के अंदर सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ जो फिटिंग है, फिटिंग इसके अंदर हमने एमडीएफ की बोर्ड लगाए, एमडीएफ बोर्ड के ऊपर हमने एमली फायर लगाते हैं। इससे क्या होता है काफ़ी हमें अच्छा मिलता है कि कभी भी आपका एमली फायर जाए हीट नहीं होता है, या कोई पानी गिरता है उससे नुकसान नहीं होता है। जो वायरिंग है वायरिंग हमें करने में काफ़ी इजीली हो जाता है कि आप अलग अलग वायरिंग कर सकते हो, जैसे ग्राउंड अलग हो गया, रिमोट वायर अलग हो गया, बैटरी वायर अलग हो गया, हर चीज़ अलग अलग हो गया, काफ़ी देखने में सुंदर है। उसी हिसाब से आप इसका साउंड क्वालिटी भी आवाज़ भी अच्छी आती है कि वायरिंग गुलजन नहीं बनने, कभी हमिंग आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। तो जो आरसी लीड के पॉइंट्स है वो अलग है, जो इसका कंट्रोलर की तार है अलग से, मतलब सब सेपरेट सेपरेट है, इसमें हमें ऑप्शन मिल जाता है होल करने के लिए, तो इसी हिसाब से हमने करी है। तो मैं आप लोग को सारा चीज़ दिखा दिया, इसके बाद फिर मैं सब वूफर भी रखूँगा वो भी दिखाऊँगा, और जो स्क्रीन हमारी रहने वाली है 9 इंच की, तो मैं आप लोग को स्क्रीन दिखाता हूँ। जो ब्लो पंख की है आपका, जो हमारे जर्मन के रहने वाले, इसके जो पैनो ब्लैक के हमारा, इसका जो लगा हुआ क्या कहते हैं अपना फ्रेम, उसके अंदर हमें फिट कर चुके हैं। जो हमारा मैक रहता है, मैक हमने सेंटर में लगा दिए, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। और जो रिवर्स कैमरा है मैं वो भी दिखाता हूँ आप लोग को, रिवर्स कैमरा भी हमारा ब्लो पंख की रहने वाला है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कंपनी देती है उसी हिसाब से हमने फिटिंग करके दिए, बिल्कुल होल हो गए, बिल्कुल फ्लैश हो गया, ये भी ब्लो पंख के रहने वाला है। और जो इसकी पीछे सीएनजी की जगह काफ़ी छोटी है, तो उसी हिसाब से हमने आप लोगों को वूफर दिखाया कि 10 इंच के सब वूफर है, और इसके अंदर फिटिंग आ चुका है, क्योंकि हर कंपनी के हर वूफर यहाँ नहीं आ सकते हैं कि जगह काफ़ी छोटी है। तो मैं आप लोग को इसके सब वूफर रख के फिर पूरी गाड़ी पैक करके फिर मैं आप लोग को लास्ट में आउटपुट सुनाता हूँ। तो चंदू भैया, गाड़ी का काम कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल भैया, कंप्लीट हो गया, पूरा डोर पैक कर दिए। ओके, और हमने आउटपुट सुन लिया, काफी मजा आ गया। ठीक है, और बताओ बस फर्स्ट क्लास। तो साउंड सुना दोगे एक बार? हाँ बिल्कुल सुनाते हैं, एक बार कर दो प्ले, एनसीएसी लगाना, प्ले करना है सिर्फ। ठीक है जी, आवाज बढ़ा देना, आवाज उससे साउंड में तो आ गया मजा। तो एक बूफर की कमी रह रही है ना, बूफर अभी लगा नहीं, बूफर हमने डाले नहीं है। अच्छा, अभी बस बूफर कनेक्ट करके फिर सुनते फिर। अभी तो सही आ रहा है, मतलब स्पीकर में भी। हाँ, जो हमारे गाड़ी वाला भैया कह रहे हैं अगर नॉर्मल बेस सही आ गया तो बूफर नहीं डालूंगा, अगर थोड़ा बेस की कमी लगी तो फिर बूफर डलवाऊंगा। तेज चल रहे हैं, वायरिंग उसी हिसाब से बूफर के हिसाब से वो रखे। जी जी बिल्कुल, तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ी देर और सुन के फिर कैसा लग रहा है। थोड़ा खाली चाहिए। अच्छा, वो सिलेंडर भी तो रखा हुआ पीछे। हाँ जी, हाँ जी। तो टैची टूची भी तो रखना होता पीछे। बिल्कुल, तुमने बॉक्स रख देना तो फिर टैची कहाँ रखेंगे, कैरे लगाना पड़ेगा ऊपर फिर। हैं, रिव्यू लेंगे कस्टमर का? हाँ चलते हैं, चलें फिर। चलो, तो आ चुके हम भैया के पास, हमारे भैया बताएंगे भैया आपको साउंड क्वालिटी कैसे लगा। साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी थी भैया, जो आपने जिस हिसाब से यूट्यूब पे काम देखे थे उससे काम के आप क्या कर मतलब दिखते हैं करते हैं, जो आपने काम किया उससे खुश है, और जो दिखता भी है जो आपने काम किया है वो बहुत बढ़िया किया है। नहीं, जो बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं उसको क्या बोलोगे कि भाई आप कहीं भी जाने से पहले एक बार यहाँ देख ले जरूर, काम यही का आपको अच्छा लगेगा और बेस्ट भी है। जो जैसे गाड़ी खड़ी करने की जगह जो आपके हम डोर्स खोले हैं, कोई सीट खोले हैं, बिल्कुल सेफ्टी है, इतने का धूल मिट्टी खा रहा है, ये हो रहा है, सेफ काम है, छत के नीचे है और बढ़िया काम है।
और उसे जल्दी और साफ सुथरा काम होता है क्वालिटी वाइज। जल्दी इसलिए हो गई आज आपकी गाड़ी सिंगल थे उससे तो हो जाता है, लेकिन 5-6 घंटे पहले सिस्टम लग जाते हैं। और जो जैसे आपने बताया था, मैंने आपको सबसे पहले जैसे पायनियर सोनी दिखाया था, अगर बात करें जो एंड्रॉइड में आउटपुट सुन रहे हो, अगर हम पायनियर सोनी लगाते हैं इससे थोड़ा सा हमें अच्छा मिलता है, लेकिन एंड्रॉइड में यह है कि फीचर में ज़्यादा मिल जाता है कि जैसे एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, यूट्यूब सब मिल जाता है, तो 19-20 आप आउटपुट में करना ही पड़ेगा। अगर सारे फीचर सोचोगे वो नहीं आते, लेकिन बाकी जो आपको आउटपुट आया उसमें मज़ा नहीं आया अभी। ठीक है भाई, आप लोग ने देख लिए होंगे जो जो हम फिटिंग दिखाते हैं, जो हमारे भैया भी आए हैं। आप कहाँ से भैया काम करवाने? सोनीपत से आए। मतलब ये जो काम मतलब जिस हिसाब से दिखाते हैं उसी हिसाब से करते हैं, और आप लोग इस तरह काम करवाना था आना कहें ड्रीम ऑडियो, जो हमारा एड्रेस है रमेश नगर, जो जी टैप पिलर नंबर 343 के सामने है, नियर रमेश नगर मेट्रो, मोती नगर मेट्रो, दोनों के बीच की दुकान है, मेन रोड की दुकान है। अगर आप लोग इस तरह काम करवाना ड्रीम ऑडियो आना है, और आप लोगों को काम चेक करना हो तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है जो आप देख रहे हो, और इंस्टाग्राम आई डी भी है dreamaudio0207, आप लोग वहाँ भी काम की क्वालिटी चेक कर सकते हो। और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9211-22007, 9211-22007। वीडियो करते हैं, जय श्री राम।